स्टूडेंट वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। ये आज बहुत दिनों बाद मेरे को मौका मिला है छत पे आने का, मतलब रिया के छत पे आने का। तो आए थे तो चल, और अभी जाड़े का बहुत सारा सुंदर सुंदर फूल खिला है उनके गमले में। तो हम सोचे चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, मोबाइल हाथ में था ही। देख रहे हैं ये कितना सुंदर गुलदावदी का मरून येलो, और फिर एक ये गेंदा का भी है। गेंदा का और भी वैरायटी है इनके पास बहुत सारा। तो हमको तो अच्छा लगता ही था, हम तो ऐसे ब्लॉग स्टार्ट करते ही थे हमेशा, पर इधर से दिन छोटा हो रहा है इस वजह से ये सब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। और वैसे आज भी हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं अपना 3:30 बजे के आसपास, 3:20 या कुछ ऐसा हो रहा था टाइम देखे थे अभी हम। देख रहे हैं रोज़ भी है, इसी का कटिंग है मेरे छत पर भी जो कभी कभी खिलता है रोज़। तो हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिए हैं और चले घर के अंदर, क्योंकि घर के अंदर हमको कुछ एक्स्ट्रा काम करना है इस टाइम में भी। तो बस आने जाने का कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं, बस ये वाला दीवार को इस तरफ आते हैं तो रिया का छत, इस तरफ आते हैं तो मेरा छत। तो घर के अंदर चल क्या रहा है, रिद्धि के पापा खाना खा चुके हैं, इनको खाना दे दिए थे, और माँ यहाँ खाना खा रही हैं धूप में बैठ के, क्योंकि धूप मेरा कमरे के अंदर तक आता है। ये देखिए सिद्धू रानी यहाँ धूप में सो रही है, और आज धूप भी बहुत खिल के हुआ है, पता नहीं जल्दी गर्मी आएगा या फिर से ठंडा बढ़ाएगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो माँ बोली यहीं पे हमको धूप में दे दो, खाना खा लेंगे। तो माँ है, और रिद्धि रानी गई है पुन्नी दीदी के साथ, क्योंकि आज उसका छुट्टी था, कॉलेज नहीं था, सब बच्चा लोग पिकनिक गया है तो छुट्टी था उसका। तो वो बोली कि आंटी इसको ले जाते हैं, मेरे घर खाना नहीं खाई थी वो ढंग से सुबह में। तो बोली देखिए हम लोग अभी खाएंगे तो साथ में शायद खाए, तो उसको भेज दिए हैं। वैसे इसके पापा भी आ गए, अब ले आएंगे तो एक बार ट्राई करेंगे उसको दाल चावल खिलाने का। और सिद्धि रानी सो रही है, तो हम सोच रहे हैं आज पिट्ठा बना लेते हैं, क्योंकि पूस आ चुका है और अभी तक मेरा पिट्ठा बनाए नहीं थे। तो तीसी निकाल के रखे हैं साफ करके, खरीद के लाए थे, और जा रहे हैं इसको भून लेते हैं। तो बड़ा वाला कुकर भी निकाले हैं, हम कुकर में ही भूजते हैं बड़ा कुकर में, और ढक ढक के भूज लेंगे ना तो वो ये तो उड़ने लगता है ना, बहुत फैल जाता है, पूरा गंदा भी होता है और वेस्ट भी होता है, इसलिए इसको हम कुकर में भी भूनेंगे। और फिर इसका पाउडर बनाना है, ये सब करके रखेंगे तभी तो जल्दी जल्दी गुड़ मिला के बन पाएगा मेरा पिट्ठा। आज देख रहे किसी का गुंडी बना के रखे, सिद्धू तो जग गई, मेरी रिद्धि भी आ गई थी, दोनों को खिला के भी आए हैं ऊपर। और पहले एक बार चाय बना देते हैं क्योंकि 4:30 बज गया है, उसके बाद ये सब में लगेंगे, फिर सबसे पूछा जाएगा, पता नहीं रात का खाना भी ये लोग खाएंगे क्या, ये खा के रहेंगे, खैर देखा जाएगा। अभी तो थोड़ा सा चना दाल भी दिए हैं भिंगने, इसका भी बना, इसको भी पीस के इसमें नमक धनिया पत्ती हरी मिर्च ये सब डालेंगे, लहसुन, और फिर वो भी भर के थोड़ा नमकीन वाला बनाने के इसमें है। तो दो तरह का बनाएंगे, अभी तैयारी करके बस रखे हैं, जा रहे हैं पहले चाय बना के सबको दे दें क्योंकि 4:30 बज गया है। छीन के ले लेती है सबका सीधी। रिद्धु इधर आओ, तो बेटा इधर आओ, देखो तुम क्या खा रही है, बोलो। चॉकलेट कैसा है दिखाओ तो मम्मा को। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है। फलतू फलतू कैसा चॉकलेट है, बक मत दिया करिए इसे। इसको तो ऐसे ही लग रहा है, एकदम मुझे का गुल्ली बहुत ठीक है। ये देखिए गुड़ को भी हम पूरा कूट के कर लिए, अब गुड़ और तीसी को मिला लेंगे, और चाय भी बन रहा है यहीं पे, शाम भी काफ़ी हो गया है। ये देखिए मेरा चावल का आटा, 1 किलो आटा को पूरा घोट तो लिए हम गैस पे, अब इसको थाली में निकाल के उसका लोई बना बना के भरना शुरू करेंगे। भाई घूम क्या गए बेटा? ये देखिए मेरा पिट्ठा बनने लगा, माँ भी बैठी है मदद करने, मेरा माँ समझा कर ली तो बोली कि बनाते हैं अब तुम, वो पानी उबलने के लिए दो,
हम भरते जा रहे हैं, वहाँ भर दे रही है। हो जाएगा उसमें के ना पिट्ठा बने से, सब जगह हम लोग के मैके सब में भी ये नियम था, ससुराल में भी सब जगह पूस में पिट्ठा बनता ही बनता है। वही पिट्ठा खा लेते तो सालों भर खेते तो नहीं। हाँ वही पूस में खाने बन रहा भर बना सकते हैं, खा सकते हैं, जरूरी रहता है, सगुन हो जाए छे ना पिट्ठा रो। जैसे दही चूड़ा का 14 जनवरी से बोलते हैं तो वही सब है, हम भी उसी परंपरा को ढो रहे हैं। ये देखिए पिट्ठा का पहला घानी डाल दिए हैं हम तो गर्म पानी, खोलते हुए पानी में। जब ये पक जाएगा तो ये ऊपर तैरने लग जाएगा, इसका यही पहचान है, तैरेगा तो फिर उसको निकाल लेंगे पानी से। इस तरह से मेरा पिट्ठा बन जाएगा। ये देखिए माँ टेबल पे ही बैठ के भर देती है, क्योंकि नीचे नहीं बैठ पाती है, माँ घुटने में दर्द रहता है तो, लेकिन हाँ मेरा मदद कर देती है माँ इस तरह से। और माँ को खूब शौक लगता है ये सब चीज़ करते हैं तो, अच्छा लगता है उनको कि कुछ बनाओ कुछ ये करो, उनसे जो हो पाता है वो कर देती है। और बच्चा भी है ना दोनों, रिद्धि सिद्धि छोटी छोटी है तो ये चीज़ तो माँ समझती है कि भाई दो दो बच्चा है जुड़वा इसका, तो थोड़ा सा तो करेंगे लगेंगे, नहीं तो फिर कुछ नया अच्छा काम कैसे हो पाएगा। तो माँ करती है मदद ये सब टाइप का, बैठे बैठे कर देंगे तो हमको भी हेल्प मिल जाता है फटाफट। अभी रिद्धि के पापा थोड़ा कैमरा पकड़ दिए हैं, सब लोग मिल के हम लोग एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। आज मेरा मदद सब लोग कर रहे हैं, जबकि ये कभी कैमरा जल्दी पकड़ते नहीं है। आज तो हमको बोल रहे थे कि अम्मा को बोलो पिट्ठा बना के तुम वीडियो बनाओ। अब मेरी सिद्धि रानी बैठी पिट्ठा बनाने, क्या कर रही है बेटू? बेलन मांगी सिद्धू रानी की, पहले हमको बेलन दो, तो बेलन दिए तो अब सिद्धि बेलने लगी रोटी। नहीं रे सिद्धि का रोटी बन रहा है अभी, मेरा तो पिट्ठा बन के हो गया पूरा कंप्लीट, अलग में इधर रखे हैं दाल वाला और इधर ये वाला बन गया, और थोड़ा सा दाल बचा भी है तो इसको क्या करेंगे, इसका पकौड़ी बना लेंगे इसमें प्याज व्याज डाल के। रिधु रानी सो के आई है पुन्नी के घर से, उधर जा रहे हैं, उसका भी मच्छरदानी लगाएंगे शाम का, रात ही होने चला 7 बजने वाला है, इसलिए हम ब्लॉग को कर रहे हैं एंड। कल एक न्यू ब्लॉग में मिलाते हैं बच्चों से, तब तक आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।